हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग जा रहे हैं थाउजेंड पिलर टेम्पल जो कि वारंगल में है और यहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। और हम लोग अब एज यूजुअल नेहरू आउटर रिंग रोड पकड़ेंगे और पहुँचेंगे। इस समय 12 बज रहा है, 3 बजे के करीब पहुँचने का दिखा रहा है। लेट्स सी हम लोग कुछ कैचअप कर पाते हैं कि नहीं। और काफ़ी लेट प्रोग्राम बना, पहले हम लोग सोच रहे थे बीदर जाएंगे पर In 500 meters, keep right. फिर बीदर में अभी आज फोर्ट क्लोज्ड है तो इसलिए हमने कहा कि फिर वारंगल भी कवर करना है और ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा था तो हम लोग वारंगल के लिए निकल गए हैं। एक प्लान बना था मॉल भी जाएं बट मॉल वो कैंसिल हो गया, थोड़ा एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट है इसलिए, बट फिर जाएंगे मॉल हम लोग। और आज हम लोग 200 meters, keep right and then turn left. वारंगल जा रहे हैं और वारंगल भी बहुत दिनों से हमारा प्लान था जाने का, सो आज पूरा हो रहा है। थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है, फिर बात करते हैं। सो आउटर रिंग रोड पे हमारा सफ़र यहीं तक था। एग्जिट 09 वारंगल रोड NH 163 भी कहते हैं, तो हम लोग अब एग्ज़िट करेंगे और वारंगल की तरफ जर्नी हमारी जारी रहेगी। सो ये जो टेंपल है थाउजेंड पिलर टेंपल, ये रुद्रेश्वरा स्वामी टेंपल के नाम से भी फेमस है और रुद्रदेव, राजा रुद्रदेव ने बनवाया था 12th century में। और ये 3 देवताओं के ऊपर है, उनको समर्पित है, शिव जी और विष्णु जी और सूर्य देव। सो ये टेंपल शाम 8 बजे तक खुला रहता है, सो होपफुली हम लोग 3:10 पे वहाँ पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं 12 मिनट में। और ये एक टर्न आया है, हमने एक टर्न मिस कर दिया था, सो ये सेकंड टर्न है। और रोड काफ़ी अच्छी थी रास्ते में एंड बहुत देर के बाद अब हम सिटी के अंदर घुस रहे हैं। मौसम अच्छा है, धूप भी है, बादल भी हैं और जल्दी हम लोग 2:45 तक पहुंच जाएंगे। 3:15 दिखा रहा था सुबह, सो हमने आधा घंटा मेकअप किया हाईवे पे। हाईवे बहुत ही अच्छा था, एक बार फिर बताना चाहता हूँ। फिर पहुंच के दिखाते हैं आपको थाउजेंड पिलर्स टेम्पल। तो हम थाउजेंड पिलर्स टेम्पल वारंगल हनमकोंडा पहुंच गए हैं। बाहर कुछ इस तरह का माहौल है और पार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप लकी हैं तो आपको मिल जाएगी, हमें मिल गई। और अंदर बहुत ही प्राचीन सा मंदिर दिखाई दे रहा है, थाउजेंड पिलर्स टेम्पल काकातिया डायनेस्टी का एक मार्वलस आर्किटेक्चर एग्जाम्पल है। और जैसा मैंने बताया, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देवता पर आधारित ये टेंपल है, रुद्रेश्वरालयम थाउजेंड पिलर टेंपल। ये है थाउजेंड पिलर टेंपल, बहुत ही प्राचीन टेंपल है। 1163 AD और आगे चल के देखते हैं। कुछ रेनोवेशन वर्क भी चल रहा है पीछे की तरफ। उधर नंदी जी की स्टैचू। कैसे लिखा लिखा थाउजेंड पिलर टेम्पल में हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करके अब हम लोग वापस घर की तरफ निकलेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा काम किया गया है इस पे। उस तरफ बंद कर रखा है, उधर भी अच्छा होगा। और अंदर इसके अंदर गांधी जी तो हम लोग निकल के वारंगल फोर्ट आ चुके हैं। थाउजेंड पिलर्स हमने कवर किया, उसके बाद वारंगल फोर्ट भी कवर कर रहे हैं। दूर से कुछ प्रतीत नहीं होता कि फोर्ट है, बट सामने फोर्ट आ जाता है। ये भी जरा ज्यादा है आपके लिए, पहले ही बोला। अच्छा, कुछ भी नहीं। तो हम लोग वारंगल फोर्ट पार्क में आ गए हैं। वारंगल फोर्ट का रास्ता अलग दिखाता है गूगल मैप में और वारंगल फोर्ट पार्क का अलग। यहाँ एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है इस एरिया को, और जो अवशेष बचे हुए हैं उन सबको यहाँ ला के रखा गया है सो दैट आप देख सकें और समय चेंज कर देता है, सब कुछ चीज़ों का ध्वंस करता है, कुछ चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये उसी श्रृंखला में वो अवशेष हैं जिनको तोड़ दिया गया या टूट गए, या आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं पार्क में, बच्चे भी हैं और फोटो खींच रहे हैं। तो अगर 1200 AD की भी बात अगर हम करें तो उस समय की आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। ये गणपति जी हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। टिकट कितने का था यहाँ? 25 रुपया पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे। और तो ये पूरा है आपका वारंगल फोर्ट पार्क। अवशेष कुछ कुछ हर तरफ पड़े हुए हैं। 4 बड़े बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में, और बीच में अवशेष। तो अब फोर्ट पार्क कवर हो गया है, अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। आज का ट्रिप 1000 पिलर्स का था, और वारंगल फोर्ट और वारंगल फोर्ट पार्क ये भी हम लोगों ने कवर किया। और अब यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा हमें वापस जाने में। ठीक है, फिर चलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।